नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, दिल्ली से गाजीपुर जाने वाली ट्रेन पलटी, हुई बड़ी रेल दुर्घटना। इस दुर्घटना में कितने रेल यात्रियों की मौत हुई है, कितने रेल यात्री घायल हुए हैं, आखिर इतनी बड़ी रेल दुर्घटना किस रेलवे स्टेशन पर हुई है और कब हुई है और किसकी लापरवाही से हुई है, क्या है पूरी घटना, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मेरा आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल यह घटना प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर उस समय हुई जब ट्रेन को हरी झंडी मिल गई थी और ट्रेन रवाना हो चुकी थी। इसी दौरान अचानक ट्रेन की डिब्बों के कुछ पहिए बेपटरी हो जाती है, जिसके बाद ये बड़ी रेल दुर्घटना हो जाती है। आपको बता दें, दिल्ली के आनंद विहार और यूपी के गाजीपुर शहर के बीच चलने वाली सुहेलदेव एक्सप्रेस ट्रेन के दो डिब्बे और इंजन मंगलवार रात 8 बजे के आसपास प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर पटरी उतर जाती है और सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचकर यात्रियों की जान बचाने में लग जाते हैं और ट्रेन में बैठे यात्रियों को बाहर निकाला जाता है। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि इंजन के पीछे के दो डिब्बे भी पटरी से उतर गए हैं। हालांकि किसी के हाथाहाथ घुसने की सूचना नहीं आई है। यहां तक कि रूट पर सभी ट्रेनों का परिचालन भी समान तरीके से हो चुका है और यह घटना करीब 9 बजे की है। इससे पहले आपने सुना होगा कि रविवार को ही आंध्र प्रदेश में एक बड़ा रेल हादसा हो जाता है, जिसमें एक दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो जाती है और कई यात्री घायल भी होते हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही थी कि यूपी के प्रयागराज स्टेशन पर एक बड़ा रेल हादसा होता है, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इस हादसे के दौरान किसी की यात्रियों की जान नहीं जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हमारे भारत देश में बार बार रेल दुर्घटना क्यों हो रही है, और इस पर कोई भी सवाल जवाब करने से रेलवे अधिकारी चुप हैं। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।